हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आए थे सिसवा मेला, तो घूमते घूमते हमारे एक भाई साहब जो मिले हैं मुझे, अशरफ दामिर शाह, जो एक अच्छे मतलब सिंगर हैं, तो आज हम उन्हीं से आप लोगों को मिलाते हैं और कुछ उनसे हम गाना सुनते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। और बताइए भाई। बस ठीक है भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। थैंक यू भाई। तो हमने आपके बारे में बहुत सुना है और आपके वीडियो भी हमने बहुत देखे हैं यूट्यूब पर। शुक्रिया भाई। तो हम चाहते हैं कि तो अपने बारे में हमारे जो व्यूअर्स भाई हैं उनको कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल। हाय दोस्तों, मेरा नाम अशरफ दारिम शाह है और यूट्यूब पर मैं पिछले 2 साल से हूँ, पर 1 साल लॉकडाउन के 6 महीने पहले से ही मेरा यूट्यूब का काम रुका हुआ है और सिंगिंग का भी काम रुका हुआ है। लॉकडाउन के 6 महीने पहले ही मैं गांव आ गया था, फिलहाल गांव में हूँ। ये हमारे दोस्त यहीं सिसवा मेला में मिले, तो ये काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं, सिसवा मेला ही देख कर जा रहे हैं अभी। तो हमारे भाई मिले, इन्होंने यूट्यूब पर देखा हुआ था, गाना अच्छा लगा, तो कहने लगे हमारे भाई लोग को बताइए। तो आपने अपना परिचय दिया, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन हम चाहते हैं कि मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं, हमारे भाई हैं, ये उनको आप कुछ सुनाइए जिससे ये पता लगे उनको भी कि हाँ मतलब आप एक अच्छे सिंगर हैं और अच्छा गाते भी हैं। हम जानते हैं, वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन उनको भी जानना ज़रूरी है, तो आप सुनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनाता हूँ। और आवाज़ का मामला ऐसा होता है कि अगर आप लोग अगर शौक़ रखते हैं गायकी का और आवाज़ का, तो उसमें अगर एक दिन आप नागा करते हैं तो 1 महीना पीछे जाते हैं। ये मामला ऐसा है, एक दिन अगर आप नागा कर रहे हैं, यानी जो हम बॉलीवुड में जो गाने सुनते हैं, जो प्रसिद्ध हैं, पिछले जो बिल्कुल रफ़ी साहब के समय से आज तक जितने हैं, जिनकी आवाज़ जादू की तरह लगती है, तो वो उसके पीछे काफ़ी मेहनत करते हैं। जी जी, वो पर डे मेहनत करते हैं, पर डे। अगर गायकी में कहा जाता है कि अगर आप एक दिन नागा कर रहे हैं तो 1 महीना पीछे जाते हैं, तो वैसे भी मेरा नागा तो लॉकडाउन से ही हो रहा है। हाँ, पूरा 1 साल हो गया है। हाँ, लगभग। फिर भी आप कह रहे हैं तो हमारे भाई लोग को बिल्कुल ज़रूर। और वैसे भी अगर आप पूरा गाना सुनना चाहेंगे, गज़ल है, कव्वाली है और मेलोडी सॉफ्ट सॉन्ग है सारे, आप सुन सकते हैं मेरे चैनल पर ADS द रियल थिंकिंग पर। तो एक गज़ल छोटा सा सुना देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको, उन लोगों के लिए जो परदेश में रहते हैं, अपने गांव को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, उनके लिए खास करके ये गज़ल पेश है, छोटा सा एक लाइन। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, माँ ये लिखती है हर बार खत में, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम, माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम, तू गया जब से परदेश बेचैन हूँ, नींद आती नहीं भूख लगती है कम, कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। बहुत अच्छा लगा भाई। हम चाहते हैं कोई मतलब सॉन्ग सुना दीजिए, ये तो गज़ल था आपका, ये गज़ल बहुत फेवरेट है और हमने कई बार इस गज़ल को सुना है, लेकिन हम चाहते हैं कोई अच्छी सी सॉन्ग सुना दीजिए जिससे हमारे दर्शक और ज़्यादा मतलब उत्साहित हों आपके मतलब लेटेस्ट नया जो नया कुछ जी, 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 नया। जी
90s का या नया कुछ ही सर? जी जी, तो नए में कुछ सुना देता हूँ। एक बहुत पुराना बहुत खूबसूरत गीत है, वो उसकी दो लाइन मैं सुनाता हूँ। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अभी इस समय ज़्यादा शाम हो रही है और आवाज़ भी शाम के समय, अभी मेरा रियाज़ नहीं है, थोड़ा सा रियाज़ मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। बस कल इतने समय मिलते हैं आपसे, थोड़ा रियाज़ कर लूँ और हमारे भाई से मैं कल वापस मुलाकात करता हूँ। मेला तो अभी 14-15 दिन तक चलेगा, तो आप भी हमारे इन भाई के चैनल के साथ लगातार बने रहें और आप हमारे साथ इंजॉय करते रहें वीडियो का, मेले का हर चीज़। आप जहाँ भी हैं दोस्तों को में भी शेयर करें और इंजॉय करें, लाइक करें। भाई अशरफ भाई से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इन्होंने मतलब एक गज़ल सुनाया भाई साहब ने, दो चार लाइन जो भी है, और एक सॉन्ग सुनाया है जो मतलब पुराना है कुछ, लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे में मज़ा नहीं आता है, तो हमने इनसे कहा अशरफ भाई से कि कुछ ऐसा करिए कि जिससे मतलब सॉन्ग म्यूजिक की उस पर मतलब अगर गाइए तो हमारे दर्शक जो हमारे सब्सक्राइबर मित्र भाई हैं इनको अच्छा लगेगा। और हम कोशिश करेंगे कि कल जैसे भाई ने कहा है उसी तरह से हम आपको इनके आवाज़ में हम सुनवाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए आने वाली वीडियो, इससे अच्छा रहेगा। और हमारे भाई का जो चैनल है, भाई बताएंगे इनका क्या चैनल है? हमारे चैनल है ADS द रियल थिंकिंग, और आप अशरफ दारिम लिखेंगे यूट्यूब पर तो भी आ जाएगा। वैसे ये लिंक भाई हमारे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं भाई, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इनको भी सपोर्ट करिए, इनके साथ साथ मुझे भी। बिल्कुल, तो चलिए दोस्त भाई फिर मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह। चलो ठीक।